हाँ तो भाई जय हिंद, राम राम सबको। तो मैच ख़त्म हो गया, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो आया नहीं। लास्ट में जाते जाते बांग्लादेश दुख दे के चली गई, बट नेवरदलेस अच्छा मैच था। अच्छी बैटिंग की शकीब उल हसन ने, 80 रन बनाए उसने, और बाद में बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। बट जाते जाते बेचारी पाकिस्तान को सुपर फोर के पॉइंट टेबल में नीचे डाल के चली गई बांग्लादेश। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। शुभमन गिल ने बहुत अच्छा खेला, 100 लगाया, अकेला खड़ा रहा बेचारा, कोई पार्टनरशिप देने वाला साथ नहीं दिया, मतलब कोई साथ नहीं दिया, सब मतलब गलत शॉट खेल के आउट हुए। ईशान किशन, कोई ज़रूरत ही नहीं थी उस टाइम पे रिवर्स स्वीप मारने की, ऑफ स्पिनर को पता नहीं क्या सोच के मारा। और उसके बाद स्काई अपना सूर्य कुमार, वो शाकिब उल हसन को स्वीप पे स्वीप मारे जा रहे, लग ही नहीं रहा, नहीं लग रहा, आखिरकार स्टंप को बॉल लग गई। खैर कोई बात नहीं, फाइनल्स में तो चले गए, बट एक मोमेंटम के साथ जाते और जीत के साथ जाते तो थोड़ा मोराल अप रहता। वैसे भी अपने मेन 5 प्लेयर खेल नहीं रहे थे, कोहली भैया रेस्ट पे थे, और अपने पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, बुमराह रेस्ट पे थे, इनकी जगह खेल रहे थे अपने नए प्लेयर थे, प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा, ये सब खेल रहे थे, नए 5 प्लेयर थे। बट थोड़ी सी फील्ड में भी मिसफील्ड वगैरह हुई थी, मतलब लड्डू आ रहे थे हाथ में पर पकड़ नहीं रहे थे क्योंकि शुगर हो गई होगी शायद से इनको, इसलिए लड्डू पकड़े नहीं कैच। बाकी फील्ड में थोड़ी मिस्टेक्स हुई, और उसके बाद उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा प्रेशर बनाया, स्टार्टिंग में 2 विकेट निकाल ली थी, रोहित शर्मा 0 पे आउट। तो ऑल एंड ऑल अच्छे खेले बांग्लादेश ने, फाइट अच्छी की, बट इंडिया निकाल लेता है लास्ट में मैच। वो शो अक्षर पटेल को वो शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी जब चौका आ गया था, तो बट ठीक है कोई बात नहीं, बुरा तो लगा बट हार गई। एक मोमेंटम के साथ जाती तो अच्छा लगता ना कि भाई जीत के जा रहे हैं फाइनल्स के अंदर अनबीटेबल, तो वो थोड़ा सा मोमेंटम और एक वो रुतबा होता है ना कि अनबीटेबल हैं टूर्नामेंट के अंदर, खेलेंगे जाके फाइनल, बिग फाइनल, अच्छी टीम श्रीलंका, तो वो खैर नहीं हुआ। बट भाई शुभमन गिल ने एक तरफ में अच्छा संभाला हुआ था, अच्छी पार्टनरशिप, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाई केएल राहुल के साथ, ईशान किशन के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, और अक्षर पटेल के साथ भी पार्टनरशिप लगाई, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाई, बट ये शतक डिजर्व करता था जीतना, बट रिजल्ट अपने हाथ में नहीं रहा इस बार का। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, और ये बड़ी बात बस फाइनल में ना हो, यही मैं चाहूँगा। फाइनल्स में थोड़ी सी फील्डिंग कैच वगैरह जो है पकड़ ले तो अच्छा है, क्योंकि एक टाइम पे अपनी फील्डिंग जानी जाती थी अपनी, कि भाई फील्डिंग क्या टॉप नॉच होती थी इंडिया टीम की, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग्स अभी भी है। काफ़ी कैच ड्रॉप किए नेपाल के खिलाफ भी, मैं कैच ड्रॉप किए थे, और आज बांग्लादेश के खिलाफ भी दो तीन कैच छूटे हैं। तो थोड़ी सी फील्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा कि जब 40-60 पे 5 होते हो तो 100 रन की पार्टनरशिप ना लगवाएं, जो आज लगाई शकीब उल हसन और दूसरे प्लेयर के साथ, उन लोगों ने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई, वो पार्टनरशिप गेम को दूर लेके गई, और नीचे से बांग्लादेश के प्लेयर्स ने भी काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूट किया, डाउन ऑर्डर पे सब ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। थोड़ा सा वरिंग साइन जडेजा का भी लग रहा है मेरे को, कि उस हिसाब से उनकी फॉर्म आ नहीं रही है, जो बैटिंग में फाइनल्स में थी ना IPL में, वो वाली दिख नहीं रही है। होप करता हूँ कि फाइनल्स या वर्ल्ड कप के अंदर फॉर्म दोबारा आ जाए, तो वही हमें अपना रॉकस्टार जडेजा देखने को मिले, जो तलवार निकाल के घुमाता है बैट से जूम जूम। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं परसों का 17 तारीख को फाइनल होगा, कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय हिंद सबको।